नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। शीतकालीन राजधानी की मांग को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के कार्यालय पर भीड़ ने हमला कर दिया है। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सीएमओ तुरा में 3 घंटे से अधिक समय तक आंदोलनकारी संगठनों के साथ शांतिपूर्ण चर्चा कर रहे थे। इसी बीच अचानक हजारों की भीड़ सीएमओ तुरा के पास आई और शुरू कर दिया। दोस्तों, जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोली दागनी पड़ी। घटना क्रम और हंगामे में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सीएमओ तुरा की खिड़कियों पर भी पथराव किया गया है। भीड़ ने गेट तोड़ने की कोशिश की। हालात ज्यादा खराब होने पर सीएम कॉनराड संगमा ने खुद प्रदर्शन में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों का हालचाल लिया और वह पूरी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री एक बैठक कर रहे थे जब प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और पथराव किया। मुख्यमंत्री काफी देर तक अपने कार्यालय में ही फंसे रहे हैं। कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। तो बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के दफ्तर पर भीड़ ने हमला कर दिया है। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पूरे इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मेघालय से आ रही है।